महाराज विक्रमादित्य, मैंने सुना है कि आप बहुत विद्वान और बुद्धिमान है, लेकिन आप चुपचाप मुझे बुद्धू जैसा कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनते सुनते पथ भी कट जाएगा और पथ का कष्ट भी पता नहीं चलेगा। और कहानी के अंत में एक प्रश्न करूंगा। अगर आप प्रश्न के उत्तर जानते हुए आप चुपचाप रहे तो आपके सर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अगर आप सही उत्तर दिए तो फिर मैं वापिस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। सुनिए महाराज, बहुत सदियों पहले भारत देश के पश्चिम दिशा में एक छोटा दलिद्र गांव था। उस गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति वास करता था। छोटे से उम्र में अपना माता पिता खो दिया। उसके चाचा चाची पोस पल के बड़ा किए। बड़ा होने के बाद घर के काम काज के बारे में सोचने लगा और उसका रोज रोज का एक काम था, वो सुबह सुबह खेतों में गाय चराने जाता था। घर वापिस आके उसी गाय का दूध बाजार में बेचने जाता था। उसका दोस्त और चाचा का बेटा तीनों एक साथ रहते थे। रोज रोज की तरह एक दिन सुबह सुबह में कल्लू, ये कल्लू जल्दी कर भाई, बड़ा देर हो रहा है। भैया आप एक काम कीजिए, रसोई घर में जाकर माँ से खाने का पुटली ले लो, तब तक मैं गाय को चारा दे देता हूँ। ठीक है जल्दी जा। चाची चाची जल्दी दीजिए जल्दी। ये ले पकड़। उफ, कितना चिल्लाता है। चलता हूँ। सावधानी से जाना, ज्यादा देर मत करना, शाम से पहले लौट आना। हाँ हाँ। जय माता रानी। चल। भैया इन्हें मैं छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दे। सुन, तू यहाँ बैठ के इन्हें देख, कहीं जाना मत, मैं पेड़ पे बैठता हूँ, जरूरत हो तो बुलाना। ठीक है आप जाइए। कितना मीठा बांसुरी बजाते हैं भैया, सच में सबका मन मोह लेते हैं भैया। ये क्या, बछड़ा नहीं दिख रहा है, कहाँ गया वो, क्या होगा अब? भैया क्या हुआ रे भैया, अब क्या होगा? क्या मतलब, क्या हुआ है बताएगा? बछड़ा नहीं मिल रहा है, तू किसी काम लायक नहीं है। सही से देखा है तू? हाँ, चारों तरफ देखा हो, नहीं मिला। क्या होगा भैया, माँ को पता चलेगा तो क्या होगा? चुप हो जा। सुन, तू सारा गाय लेके घर जा। ये देखो, जा, शाम होने वाला है। ठीक है। सच में कहाँ गया बछड़ा, चारों तरफ ढूंढा हूं, कहीं नहीं मिला। दीनू चाचा,
क्या रे भोला, क्या हुआ है? आज खेत में नहीं गया? खेत से तो आ रहा हूँ चाचा। क्या हुआ रे? क्या बताऊँ, बछड़ा नहीं मिल रहा है, कहाँ गया? पश्चिम के शमशान के तरफ तो नहीं गया? हाँ क्यों, वहाँ पे क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या है चाचा जी, बोलिए ना बोलिए ना, बहुत परेशान हूँ। उन गाय से तो संसार चलता है, अगर वो सभी सुन सुना हूँ। उस शमशान के तरफ एक डायन रहती है, कोई भी पशु उधर जाता है तो दोबारा वो वापस नहीं आता, सब वो डायन खा लेती है। दत्त क्या बोल रहे हैं आप? हाँ विश्वास नहीं है ना, तुम लोग आजकल के लड़के किसी चीज पे विश्वास नहीं करते, जो अच्छा लगे वो करो। डायन दत्त झूठे कह के वहां जाके देखता हूँ। अच्छा एक बार जाके देखना चाहिए। हर जगह ढूंढ लिया, वहां भी जाके देखता हूँ। हाँ हाँ जाके एक बार देखता हूँ कहाँ क्या है। कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, बछड़ा शायद यहाँ नहीं आया होगा, लौट जाता हूँ। हाँ? कोई हंस रहा है? आज महाभोज होगा, महाभोज। इधर से ही आ रहा है, जाके देखता हूँ। हाँ ये क्या? आज मैं इसके टांगों को काट कर नमक मिर्ची डालकर अचार बना के खाऊंगी। रुक जा। इसके टांगों को मैं खाऊंगी। टांग खाएगी, मुंह में दांत नहीं चबा पाएगी? तुझे बच्चे गया ये सोची है तू? कौन है तू, क्यों आया है यहाँ पे? क्यों नहीं, जिसका टांग खाएगी मैं उसे लेने आया हूँ। इसे लेने आया है तू? बहुत ही मोटा तगड़ा गाय है, मैं इसे अब नहीं दूंगी। मत दो, पेट भर के खाओ। लेकिन सुनो, अगर बदहजमी हो गया तो मर गई तो मुझे मत बोलना। क्यों बदहजमी क्यों होगा रे? ये ले अपना, उम्र तो देख, इस उम्र में अगर तुम गाय खाओगी तो क्या होगा? बीमार है ये गाय, छी 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 छी, इसे कौन खाएगा? अगर मैं इसे खाती तो सच में बदहजमी हो जाती। अच्छा हुआ तू मुझे बचा लिया बदहजमी से। छी 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 छी, सच में बहुत तकलीफ है। अगर मुझे नीलमणि का पेड़ मिलता। नीलमणि पेड़? वो कैसा पेड़ है? ये क्या तुझे नहीं पता है, उस नीलमणि के पेड़ के पत्ते को खाने से दोबारा जवान हो जाते हैं, अमर बन जाते हैं। सच में कहाँ है वो पेड़? उस पंच शिखर पहाड़ के बीच में एक बहुत ही धनी राज्य है, उस राज्य का नाम है नीलरतनपुर। उसी राज्य में है वो नीलमणि पेड़, समझे? तुम क्यों नहीं ला रही हो? कैसे मैं जाऊंगी बोल बेटा, इस बूढ़े उम्र में क्या उतना दूर जाया जाता है? सुन बेटा, तू अगर मुझे वो पेड़ लाके दे देगा तो मैं तेरे गाय को छोड़ दूंगी, दे दूंगी मैं तुझे। बोल बेटा, जाएगा ना तू? बोल 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 बेटा। ठीक है बुढ़ी माँ, कोशिश करके देखता हूँ, तो फिर मैं चलता हूँ। सुन मेरी बात, वहाँ क्या तू खाली हाथ जाएगा? तू नहीं जानता है, उस पथ में तुझे एक राक्षस मिलेगा, समझा? हाँ राक्षस। हाँ सुन।
कौन? ये ताबीज जब तक तेरे गले में रहेगा तब तक तुझे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। ले ताबीज। धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ, बहुत दूर जाना होगा। जा बच्चा जा। उफ, 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 कितना दूर है पंचशेखर, ना जाने और कितना दूर है। आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद देखूंगा। कितना भयंकर, कितना विशाल, मुझे मत पकड़ना, मैं बहुत दुखी हूँ, जाने दो मुझे जाने दो। इतना आसान नहीं है तेरा जाना। पासा, तुम्हारा कोई शक्ति मुझे मार नहीं पाएगा। तो फिर देख दे। आश्चर्य, सच में तो मेरे कोई शक्ति तुझे चोट नहीं पहुंच पा रहा है। क्या है तेरे पास जो मेरे कोई शक्ति तुझे चोट नहीं पहुंच रहा है? ये दिव्य ताबीज, इसके वजह से ही तुम मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकते। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम मुझे वो ताबीज दे दोगे तो। ठीक है, ये लो। तुम तो अच्छे लड़के हो, ये ताबीज तुम्हारे पास रहेगा तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाता। ये जानकर भी तुम मेरे एक बार कहने से तुम ताबीज दे दिए, इसलिए मैं तुम्हारा मदद करूंगा। बोलो, इस पथ में तुम कहाँ जाओगे? पंचशिखर के पहाड़ के बीच एक राज्य है, उस राज्य में नीलमणि पेड़ है, उस पेड़ को लाने ही जा रहा हूँ। पंचशिखर पहाड़ पर पैदल जाना संभव नहीं, रुको। इस चटाई की मदद से बहुत जल्द ही तुम पंचशेखर पहाड़ पहुंच जाओगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, तो फिर मैं चलता हूँ। और ये लो। क्या होगा इससे? इस लोटे के पानी को साथ में रखो, पथ में काम आएंगे। धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। ये क्या, कितना बड़ा राज्य, कितनी विशाल विशाल इमारतें, लेकिन कहीं कोई दिख नहीं रहा। कौन हो तुम बेटा, क्यों आए हो यहाँ? बेटा चले जाओ, वापिस जाओ। यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ, कैसे भी करके मुझे नीलमणि पेड़ ले जाना होगा। नीलमणि पेड़? हाँ हाँ, वो पेड़ अब नहीं पाओगे बेटा। क्यों चाचा जी? आओ मेरे साथ आओ। क्या है वह? उस आग के चारों तरफ जितना पत्थर दिख रहा है वो सब पत्थर नहीं है, ऋषि बर के अभिशाप से मेरा मंत्री सेनापति
मेरी पत्नी और बच्चे सब पत्थर बन गए हैं। उस आग के बीच में वो दिव्य नीलमणि पेड़ है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? वो नीलमणि पेड़ मेरे पास था। मैं पूरा जिंदगी अमर बन के रहता। इसी अहंकार से मैं प्रजा पे बहुत अत्याचार करता था। एक दिन ऋषि वर मेरा अन्याय अत्याचार पर विरोध किए, मुझे समझाने आए। मैं उनकी बातें ना सुनकर उनका अपमान किया। ओ इसलिए ऋषि वर अपने अभिशाप से आज हमारा ये हालत है। मैं देखता हूँ कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। हाँ महाराज, अगर ये पेड़ मुझे दे दिए तो बहुत उपकार होगा। बदले में मैं अपना बछड़ा वापिस पाऊंगा। जरूर बेटा, जरूर ले जाओ। इस पेड़ के अहंकार से मैं सब कुछ खो दिया था। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आ गया तो लेके आ गया, दे 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 मुझे दे। ये लो तुम्हारा नीलमणि पेड़, अब मेरा बछड़ा वापिस दो। रुक जा, अपना गाय ले जा और साथ में कुछ मोहर भी लेके जा, तेरे जिंदगी का भाव दूर हो जाएगा। नहीं बुरी माँ, मेरा ये बछड़ा ठीक है, वो मोहर मुझे नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। यह मोहर ना लेकर भोला बहुत ही बेवकूफी किया है ना महाराज। अगर वो मोहर ले लेता तो उसके पूरे जिंदगी में अभाव नहीं होती। ये तो बहुत ही बेवकूफी वाला काम किया है ना महाराज। बोलिए बेताल भोला वो मोहर लेकर अधिक धनी तो हो जाता, लेकिन वो अपना परिश्रम भूल जाता, इसीलिए वो मोहर नहीं लिया। जब तक उसके साथ उसके गाय है तब तक उसको कोई अभाव नहीं है। और भोला बहुत ही सरल निर्लोभ था, सच्चा व्यक्ति था, इसीलिए वो मोहर नहीं लिया। समझे बेताल? महाराज आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। इसीलिए मैं फिर से उसी पेड़ पर वापिस जा रहा हूँ महाराज। मैं जा रहा हूँ महाराज, मैं जा रहा हूँ। ये